नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे बी एस सी का एक टॉपिक मेलेकाइट ग्रीन के बारे में इसकी संरचना के बारे में भी डिस्कस करेंगे बहुत ही हीजली तरीके से आपको बताऊंगा और साथ इसका यूज़ कहाँ पे होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे तो मेलेकाइट ग्रीन किस प्रकार से प्राप्त होता है यहाँ पर देख लेते हैं सांद्रा सल्फुरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजेलडीहाइट बेंजेलडीहाइट का एक मोल के साथ डायमेथिल एनिलिन इसका दो मोल संगनन के द्वारा बनाया जाता है लेड ऑक्साइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ल्यूको छार के ऑक्सीकरण द्वारा रंग छार प्राप्त होता है जो कि फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कर मेलेकाइड ग्रीन देता है ठीक है तो यहाँ पे जो बोला गया है जो कहा गया है इसी के माध्यम से हम मेलेकाइड ग्रीन को प्राप्त करेंगे और सरचने के माध्यम से हम यहाँ पे समझते हैं मेलेकाइड ग्रीन किस प्रकार से प्राप्त होता है तो फर्स्ट में यहाँ पे देखिए पेंजेलीहट का एक मोल बंजेलडी का एक मोल और डायमेथिल एनिलिन का दो मोल ये सान्द्र सेल्फ्यू सान्द्र सेल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यहाँ पे क्रिया होगा ठीक है तो यहाँ पे देखिए डायमेथिल एनिलिन जो दिया है इसको हम इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं यहाँ पे देखिए इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं इन दोनों को एड करके ही यहाँ पर क्या लिखा गया है ट्वाइस टू डला गया है ठीक है दोनों यानी कि यहाँ पे दो मोल है तो इस प्रकार से है इसका तो यहाँ पे देखिए माइनस एच टू ओ यानी कि जल यहाँ पे निष्कासित निकल जाएगा तो जल किस प्रकार से प्राप्त होगा यहाँ पे देखिए तो ये जो बेनजल्डियाइट का जो ओ है और डायमेथिल एनिलीन यानी कि इस ये वाला डायमेथिल एनिलीन देखिए इसका एच और इसका एच यानी कि इसका दो एच ठीक है इनका इसका दो एच डायमेथिल एनिलीन का दो एच दो हाइड्रोजन और, और बेंजाल्डिहाइड का एक ऑक्सीजन इसका एक ऑक्सीजन इसका दो आ, दो हाइड्रोजन मिल करके यहाँ पे जल बन जाएगा और जल निष्कासित यानी कि निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा ये जो रिंग बन गया ये देखिए ये रिंग और यहाँ पे बचा क्या सी एच सी एच फिर उसके बाद यहाँ पे जो रिंग प्राप्त हुआ यानी कि ये वाला एच और ये एच निकल गया ठीक है अब यहाँ पे क्या बचा ये वाला रिंग बचा है तो इसी को यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से ठीक है एन सी एस एन सी एस थ्री टू फिर इसका ऑक्सीकरण होगा ठीक ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा आगे देखिए ये वाला रिंग प्राप्त होगा यहाँ पे जो एच दिया है और यहाँ पे ओ ये इन दोनों एड होकर के यहाँ पर क्या बन जाएगा ओ एच ठीक है ये ओ एच बन गया और सेम जो दिया है रिंग यानी कि जो, जो संरचना दिया है सेम यहाँ पे आ जाएगा ठीक है ओनली ये वाला ओ एच जो है इसके साथ एड हो गया तो इस प्रकार से आएगा अब इसका क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या होगा हो तो ये मेलेक्रीन किस प्रकार से प्राप्त होगा यहाँ पे देखिए ये रिंग हो गया ये वाला सेम ये वाला रिंग फिर सी सी फिर ये वाला रिंग यहाँ पे देखिए ये वाला रिंग एन सी एस थ्री ट्वाइस ये वाला ठीक है तो आप चाहे तो इसको यह इस जगह इस प्रकार करके इसको लिख सकते हो ठीक है फिर ये वाला जो रिंग है ये इधर देखिए ये वाला बन गया फिर एन पॉजिटिव चार्ज ये वाला सी एच थ्री ट्वाइस ओके फिर ये जो दिया है सी एल सी एल नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पे जो एज बचा और यहाँ पे जो ओ ए ये जल बन जाएगा जल बन जाएगा और ये निकल जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से मैंने कैट ग्रीन की संरचना प्राप्त होती है तो हम अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है इसके बारे में जानेंगे तो यहाँ पे देखिए मेलेक्ट ग्रीन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे मैंने तीन नंबर लिखा है और फर्स्ट यहाँ पे देखिए कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है मेलेक्ट ग्रीन का यूज़ कहाँ पे होता है फंगी से संक्रमित पौधों के उतक एवं बैक्टीरियल स्पोर्स व उतकों के लिए स्टेन के रूप में उपयोग किया जाता है सेकेंड है इसकी बैक्टीरिया स्टैटिक गुणों के कारण इसे एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है यानी कि मले ग्रीन को एस एंटीसेप्टिक क्रीम एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जा सकता है ठीक है थर्ड यहाँ पे देखिए इसे सीरियल व फ्यूरस अम्ल के स्पॉट परीक्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है ये था मले ग्रीन का उपयोग कि कहाँ कहाँ किस प्रकार से उसका यूज़ किया जाता है या हो सकता है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्पफुल होगा हो कि ग्रीन क्या है इसका यूज़ कहाँ पर होता है इसके बारे में जानने में तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू